अच्छा हुआ एंडी तुम मिल गए। इतने दिनों से किसी को नहीं बताया था मेरी हालत के बारे में। यार तेरे पास कोई आइडिया है इस एक पे एक फ्री वाली स्कीम का क्या करूं? इसके अलावा भी बहुत स्कीम्स हैं, बट कोई परमानेंट नहीं होती। तुम चलो मेरे साथ बिंदास डॉक्टर के पास। जाने दे यार, मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई ले लूंगा। अरे वाह एंडी और जिमी, तुम दोनों एक साथ घूम रहे हो, कैसे हो और ये क्या खुसर पुसर चालू है? अप्पू भाई, अब तो जानते ही हो गुप्त रोग, एक के ऊपर एक फ्री के बारे में। मैं जिमी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहा हूँ और ये है कि सुनता ही नहीं। अच्छा ये बात है, वैसे ये कोड वर्ड वाले नाम रखोगे तो जब तक बात करने की हिम्मत जुटाओगे बीमारी और बढ़ जाएगी। और यार इतना ही नहीं, अगर इलाज नहीं करवाया तो किसी और पार्टनर को एक पे एक फ्री मुसीबत मिल जाएगी। आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ मुझे नीचे क्या हो रहा है? चलो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। मैं बीमारी के लक्षण बोलता हूँ, तुम सिर्फ हाँ या ना बोलो। ओके पूछिए। पेशाब करते समय जलन या दर्द, या बार बार पेशाब आता है? हाँ और ना। गुप्तांगों से पस या कोई और डिस्चार्ज आ रहा है? बदबू आती है? हाँ। ओके। लिंग या गुदा या प्राइवेट पार्ट पर अल्सर्स या छाले हैं क्या? नहीं। जिमी, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो हो सकता है कि तुम्हें शायद गुप्त रोग हो। एंडी ठीक कह रहा है, जल्दी किसी सही डॉक्टर के पास जाओ। अप्पू भैया, मैं एक तो किसी ऐसे डॉक्टर को जानता नहीं और ऊपर से उन्होंने मुझसे ये कैसे हुआ इसके बारे में सवाल पूछा तो क्या बोलूँगा? देखो जिमी, चाहे जासूस हो या डॉक्टर, मामले की गहराई में उतरने के लिए पूरी जांच करनी पड़ती है भाई, तब जाके तो कोई सलूशन निकलता है ना। वो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि आपने सेक्स किया था क्या, आपके पार्टनर कौन थे, कॉन्डोम का प्रयोग किया था कि नहीं, सब खुल के बता देना। डॉक्टर तुम्हारी जांच करके या टेस्ट के आधार पर सही इलाज बताएंगे। तुम्हारी जानकारी डॉक्टर के पास गुप्त रहती है, पर सही इलाज के लिए उनको हर एक लक्षण बताना बहुत जरूरी है। अप्पू भाई, मेरा भी एक सवाल था, पूछूं? मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल पूछने पर कोई टैक्स नहीं लगता, गो अहेड। इन बीमारियों का एचआईवी से कोई लिंक है क्या? हाँ, जब किसी को गुप्त रोग होता है तो एचआईवी संक्रमण होने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए जरूरी है कि गुप्त रोगों के बारे में टाइम पर पता चल जाए और उनका समय पर सही इलाज हो जाए। वैसे इलाज करवाने के लिए तुम किसके पास जाने की सोच रहे हो? पता नहीं। चलो दिल्ली की वेबसाइट पर जाओ, सही डॉक्टर की जानकारी भी वहीं मिल जाएगी, बिल्कुल सही डॉक्टर के पास भी पहुंच जाओगे। ये हुई ना बात। चल यार जिमी, गुप्त रोग का जल्दी से इलाज करवाओ, क्योंकि ये इलाज मुश्किल नहीं है। लो अभी अपॉइंटमेंट लेता हूँ।